कोरोना की आपदा तो आपको याद ही होगी जो उत्तराखंड के केदारनाथ में आई थी, जहां प्रलय आ चुका था और वहां की जो आपदा थी उससे पूरे हिंदुस्तान हिल चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं सरिता राव, आप सभी का स्वागत है इस पर नए न्यूज में। और हम जिस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं वो है केदारनाथ आपदा, जिस पर अब साल 2018 में फिल्म आ रही है जो 7 दिसंबर को रिलीज होगी। और इस फिल्म ने शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ विवादों से इसका गहरा नाता रह चुका है। इस फिल्म में प्यार को, धर्म को और आध्यात्मिकता को एक सूत्र में पिरो करके पर्दे पर दिखाया गया है, जो एक अलग तरह की लव स्टोरी है। और इसी लव स्टोरी को देख करके राजनीतिक, धार्मिक और जितने भी सदस्य और समुदाय हैं सबने अपनी आहत को प्रकट किया। उनको ये लगता है कि इसमें लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है, उनको ये लगता है कि इसमें हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो इस पूरी फिल्म के ऊपर जो पूरी स्टार कास्ट है, इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, इस मूवी की जो मेन थीम है, उसी पर मेरे सहयोगी अजय आपसे अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि उनको क्या लगता है इस मूवी को लेकर के। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है अजय, कि जो पूरी फिल्म है इसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम है। जो मुस्लिम है वो एक नॉर्मल इंसान है जो यात्रियों की सेवा कर रहा है, और वही जो हिंदू है, जो कि सारा अली खान जिसका किरदार निभा रही है, वो एक पंडित घर में जन्मी हुई लड़की है। क्या आपको लगता है कि एक लव स्टोरी जो केदारनाथ आपदा के ऊपर बनाई गई है वाकई ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है? देखिए, फिल्म देखे बिना कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना शायद गलत होगा। भले ही वो 2 मिनट के ट्रेलर को देखकर लोगों ने कह दिया हो कि इस फिल्म में लव जिहाद है। फिल्म की बाकी कास्ट जो है, ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मैंने देखा था वीडियो जो हमारे पास आई थी, उसमें ये था कि मतलब वो लोग यही कह रहे थे कि 2 मिनट के ट्रेलर में आप ये सब देखकर लव जिहाद जैसी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी को इस फिल्म से कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने भी यही कहा था कि CBFC ने फिल्म पास कर दी है तो उसके बाद अब जो केस चल रहा है उसके बारे में भी देख लिया जाएगा। वैसे हमारे हिंदुस्तान में देखा जाए, चाहे फिल्म पद्मावत ले लो, इसको लेकर के कितना बवाल हुआ, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। तो आपको क्या लगता है कि जब ये फिल्म पर्दे पर आएगी तो जो लोगों ने अपने थॉट्स बना रखे नेगेटिविटी के, क्या वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, फिल्म जो है इसके दो पहलू हैं। फिल्म का विरोध करना भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सही है जो लोग विरोध कर रहे हैं, और फिल्म जो विरोध हो रहे हैं वो फिल्म वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस चीज़ के दो पहलू इसलिए हैं क्योंकि फिल्में जो होती हैं सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। बहुत लोगों के मतलब लोग जो कैरेक्टर देखते हैं वो असल ज़िंदगी से कहीं ना कहीं उनको मिलाते हैं, और फिर वो असल ज़िंदगी में मिलाकर तरह तरह की बातें करते हैं। इन्हीं बातों से बचने के लिए कई लोग जो हैं ऐसी फिल्मों पर जो जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताते हैं। अब इस फिल्म में ऐसा है या नहीं ये तो देखकर ही पता लगेगा। अब केदारनाथ जो आपदा पे जो फिल्म बनाई गई, इसमें जुनून दिखाया गया, इसमें धर्म दिखाया गया, इसमें आध्यात्मिकता दिखाई गई, इसमें प्यार दिखाया गया, यानी कि एक फिल्म में इन सभी थीमों पर इतने अच्छे से काम किया गया है जो कि अभी तक की अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देख ले तो हिस्ट्री से बिल्कुल परे है। तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में जिस तरीके से सुशांत राजपूत के साथ सारा अली खान को इतना बड़ा रोल मिल गया, क्या हो सकता है? देखिए, सारा अली खान की ये पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उनकी माँ अमृता तो काफ़ी फेमस अभिनेत्री रही हैं, उसी की तरह अब सारा अली खान भी बॉलीवुड में अपने खुद को आजमा रही हैं, और ये फिल्म कहीं ना कहीं उनको उनके पेरेंट्स की वजह से ही मिली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई नॉर्मल इंसान होता उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन सारा अली खान ने फिल्म में जो ट्रेलर देखकर पता लगा है, गानों को देखकर पता लगा है, काफ़ी मेहनत ज़रूर की है। और फिल्म शुरू से ही विवादों में घिरी हुई है, भले ही फिल्म की शूटिंग को लेकर बात हो या फिर ये फिल्म काफ़ी लंबे टाइम तक अटकी रही थी। कभी अभिषेक कपूर अभिषेक जो हैं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे मीटिंग हो रही थी सारा की माँ अमृता की, तो वहीं कई सारे ऐसे विवाद लगातार सामने आ रहे थे। और ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिर ये लव जिहाद वाला मामला, तो कॉन्ट्रोवर्सीज इस फिल्म से जुड़ी रही हैं। अब बस फिल्म पर्दे पर जब रिलीज होगी इन सभी कॉन्ट्रोवर्सीज में से कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी सही है वो पता लगेगा। सही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी की बात की जाए, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी का मेन सीन है बोल्ड सीन, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि आपदा के दौरान दोनों ने किसिंग सीन किए हैं, एक ये सीन हो गया। अगर किसिंग सीन को हटा करके देखा जाए तो उसमें एक मुस्लिम यात्री जिस तरीके से जो सेवक है वो यात्रियों की जो सेवा कर रहा है वो चीज़ नहीं किसी को दिख रही। देखिए, कहते हैं नेगेटिविटी सबसे पहले नज़र में आती है, तो शायद ये जो चीज़ होगी वो लोगों की नज़र में पहले आई होगी, बाद में मतलब लोगों ने ट्रेलर देखकर ये देख लिया है कि इस फिल्म से नेगेटिविटी कैसे कैसे साइड की जाए। 2.5 घंटे की फिल्म को इन्होंने 2 मिनट के ट्रेलर से जज कर दिया। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सारा अली खान क्या बाकी स्टार किड्स को टारगेट बीट कर पाएंगे? अगर कंपटीशन देखा जाए तो बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जानवी कपूर की फिल्म धड़क आई, सुपर डुपर हिट साबित हुई, उतनी नहीं हुई लेकिन हाँ उन्होंने अपना एक्टिंग का जलवा दिखा दिया और उनको लोगों ने सराहा भी है कि लंबी रेस की घोड़े हैं। अब सारा अली खान को लेकर क्या लगता है कि क्या ये अपने पिता सैफ अली खान और अपनी स्टेप मदर
करीना कपूर के नक्शे कदम पर चलेंगे। देखिए, इन दोनों को अब तक जो इम्पोर्टेंस मिल रही थी एज अ स्टार किड मिल रही थी, सारा अली खान को सैफ और अमृता की वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही थी, पटौदी खानदान की वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही थी, और जाह्नवी को कहीं ना कहीं अपने भाइयों की, भाई अर्जुन की वजह से और माँ जो उनकी माँ श्रीदेवी। श्रीदेवी हैं, श्रीदेवी थी, उनकी वजह से इतनी अब तक इनको इस वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये लोग सामने आ रहे हैं तो लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। जैसे अगर सारा अली खान की बात करूं तो हाल ही में कॉफी विद करण सीजन 6 में वो नजर आई थी, अपने पापा के साथ नजर आई थी, उनके बेबाक अंदाज को लोगों ने काफी पसंद किया। और साथ ही कहीं ना कहीं सारा अली खान जो है अब बॉलीवुड में चलेंगे या नहीं है तो उनकी फिल्में रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उनको काम जरूर मिलता रहेगा। जैसे केदारनाथ के बाद उनकी एक और फिल्म है सिम्बा, उसकी भी सिम्बा। बात हम जल्द करेंगे, लेकिन अभी अगर केदारनाथ को लेकर बात की जाए तो सारा अली खान को देखकर लग रहा है फिल्में की काफी मेहनत उन्होंने की है। और उन्होंने कई आपदा की भी बात की थी जो ट्रेलर लॉन्च के मौके पर बताया था उन्होंने कि एक बार उनको रियल में ही एक आपदा का भी सामना करना पड़ा था। अब आपदा का जिक्र हुआ है तो जो जितने भी केदारनाथ के जो पुजारी हैं उनका ये कहना है कि अगर ये फिल्म पर्दे पर आ जाती है, रिलीज होती है, तो एक बार फिर से प्रलय आएगा और केदारनाथ एक बार फिर से बर्बाद होगा। आपको क्या लगता है, जो जो पुजारी ने जो प्रेडिक्शन किया इतना बड़ा, जो श्राप दिया मूवी को, क्या ये मूवी पर्दे पर रिलीज होगी, तो क्या वाकई ऐसा कुछ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रहती है, फिल्म पद्मावत जब रिलीज हुई थी तब भी ऐसे ही सारे बवाल हुए थे, कई और फिल्मों के साथ ऐसे बवाल कहीं ना कहीं होते रहे हैं। लेकिन अगर मेन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अगर सेंट्रल बोर्ड है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है, उनको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, तो फिल्म तो थिएटर्स में रिलीज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिल्म थिएटर में जाएगी जरूर और लोग उनको उसको देखेंगे भी। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सीज कैसी बंद हो जाती हैं। सरिता, कंट्रोवर्सी सारी बंद हो जाती हैं, जैसे पद्मावत रिलीज हुई थी तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी था, नहीं हुआ। तो हाँ, ऐसा ही कुछ हो सकता है इस फिल्म के साथ भी हो। अब फिल्म की बात हुई है तो जब भी देखा जाए तो बॉलीवुड में अगर अधिकतर जितने भी हीरोइंस एक्ट्रेस हैं उनको खान्स ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं, उनको खान्स ही लेकर के आते हैं, चाहे कैटरीना कैफ हो जाए, चाहे आपके अनुष्का शर्मा हो जाए, चाहे कोई से भी हीरोइन हो। लेकिन सारा अली खान की पहली फिल्म, और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया है, तो क्या लगता है कि उनका ये कदम सही है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो भी कोई नए एक्टर नहीं है, उन्होंने कई अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। उनके जितनी फिल्में अब तक आई हैं, भले ही काय पूछे हो या फिर पीके में जो उनका रोल नजर आया था, ऐसी ही तमाम मूवीज जो हैं उनमें भी काफी पसंद किया गया है उनको। मतलब कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की भी जो है छोटे पर्दे से जैसे उन्होंने बड़े पर्दे की तरफ जंप किया था, इस जंप को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग को काफी पसंद कर रहे हैं। और मेन बात यहाँ पर यह है कि सारा अली खान ने कैसी स्क्रिप्ट को चुना है। आपने अभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी देखी होगी, मतलब लोगों ने ये कहा है कि फिल्म ज्यादा अच्छी नहीं है। फिल्म धीरे धीरे जितनी ऊंचाई पर पहुंची थी, पहले दिन इसने इस साल की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, फिर उसके बाद लगातार नीचे आती रही। तो मतलब स्क्रिप्ट में अगर दम होगा तो फिल्म में कोई भी हो इस बात से ज्यादा मैटर नहीं करता। स्क्रिप्ट में दम। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विवादित में जो फिल्म फंसी केदारनाथ, क्या ये बड़े पर्दे पर जब ये आएगी, तो अभी जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई है, 2.0 रिलीज हुई है, क्या इन दोनों फिल्मों को ये बीट कर पाएगी? देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो केदारनाथ में आपदा हुई थी उसके बारे में लोग जानना जरूर चाहते हैं, उस आपदा को बारीकी से देखना चाहते हैं, और उसी आपदा को दिखाते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने जो फोकस किया है, डायरेक्टर अभिषेक ने वो फोकस किया है सारा अली खान और साथ ही साथ सुशांत पर। दोनों की एक्टिंग को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये कोई नहीं कहे कि सारा अली खान की पहली मूवी है। उनकी एक्टिंग को लेकर के आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे उनको? देखिए, एक्टिंग जो है उनकी पहली मूवी में, मैंने ट्रेलर में हल्की ही झलक देखी है उनकी, ज्यादा नहीं देखी है, लेकिन एक्टिंग वाइज जैसे उन्होंने रोल किया है, जैसे वो डांस करती हुई नजर आए, तो एक्टिंग वाइज मेरे हिसाब से वो काफी सही है। ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई भी फिल्म में, जब चाहे वो किसी रिलीजन पे बेस्ड हो या फिर हिस्टोरिकल पे बेस्ड हो, जिस तरीके से बवाल मचता है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ये भी एक प्रमोशन का बहाना है? देखिए, क्योंकि पद्मावत को लेकर के जिस तरीके से इतना बवाल हुआ था, बाद में फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट साबित हुई, अब इस फिल्म को लेकर के भी जगह जगह बवाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ये प्रमोशन का अपना ही एक अलग तरीके का बहाना है? देखिए, इस बात पर कमेंट करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो काफी परेशानी में जरूर होंगे, क्योंकि उनको केसेस के लिए जाना पड़ रहा होगा। बाकी पब्लिसिटी स्टंट इसको इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि भले ही पब्लिसिटी हो नेगेटिव या पॉजिटिव, फिल्म का प्रचार तो हो ही रहा है, पता लग रहा है लोगों को कि अच्छा इस फिल्म के ऊपर एक्शंस हो रहे हैं, लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये फिल्म सच में क्या ऐसी है, इसी उत्सुकता को लेकर लोग देखना चाहते हैं फिल्मों को। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म का क्या हश्र होता है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि वहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं वो लोग यात्रियों की सेवा कर रहे हैं,
और अब जो खबर आ रही है उनका कहना यह है कि केदारनाथ में एक भी मुस्लिम निवासी नहीं है, लेकिन अगर अधिकतर जितने भी धार्मिक स्थल हैं खासकर जो पहाड़ों वाले हैं वहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम लोग ही हिंदू यात्रियों की सेवा करते नजर आते हैं। तो ये एक भाईचारे का संदेश है। इस चीज़ को लेकर के जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया ये बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन इस मैसेज को ना देख करके लोग गलत चीज़ों पर फोकस क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं तो रिलीजन को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। मेरे लिए हम सब रिलीजन से बढ़कर पहले एक भारतीय हैं, और अगर हम भारतीयों में एकता होगी तो हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। अब बाहर के देशों में देखते होंगे कि कोई कहाँ पहुंच रहा है, मतलब बहुत बहुत ऊपर जंप कर रहे हैं, ग्राफ उनका ऊपर जाया जा रहा है, डेवलप हो रही हैं कंट्रीज। यहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती रहती है, आपस में रिलीजन को लेकर लड़ाई होती रहती है। आई थिंक हम सबको ये सब बंद करना चाहिए, और रिलीजन से ऊपर बढ़कर हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हैं, और एक एकजुट मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम एक हो जाएं, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इस तरीके की हिंसा सांप्रदायिक दंगों से अगर हम दूर हो जाएं तो बल्कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि जब ये फिल्म 7 दिसंबर को पर्दे पर रिलीज होती है तो ये पर्दे पर क्या कमाल करती है। पहली फिल्म सारा अली खान की और पटौदी परिवार की बेटी की, सारा उनकी जो बुआ है उनके बाद ये दूसरी बेटी है जो अब फिल्मों में आई है, दर्शकों का कितना दिल जीत पाते हैं। और जो लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये फिल्म के साथ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये कितनी बात सच साबित होती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, ये देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़।